दोस्तों अब आप मेरे लाइव क्लासेस अनअकैडमी पे सिर्फ 1 रुपये में वॉच कर सकते हैं। बस आपको करना ही है कि आपको अनअकैडमी जो प्लस कोर्स है वहाँ पर आपको जो है क्लिक करना है, और उसके बाद में UPSC UPSSC का जो ऑप्शन होगा उसको सिलेक्ट करना है। देन इस कोड का आपको यूज़ करना है जो कि है शिवम1, और आप सिर्फ 1 रुपये में 1 महीने के लिए सभी अनअकैडमी पे जो कोर्सेज हैं उनको वॉच कर सकते हैं। मेरा साथ में जितने भी एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं वहाँ पर उनके सभी कोर्सेज को आप लाइव वॉच कर सकते हैं सिर्फ 1 रुपये में। दोस्तों साथ ही अब UPPCS मेंस 2018 के लिए जो हमारा आंसर राइटिंग का ग्रुप चल रहा है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम लोग GS के जो 4 पेपर हैं उसमें सभी में से एक एक क्वेश्चन पर डे, यानी कि 4 क्वेश्चन पर डे आपकी प्रैक्टिस जो है वो कराई जाती है। और दूसरा जो ग्रुप है वो डिफेंस स्टडी का है, इसमें 2 क्वेश्चन पर डे दिए जाते हैं, और डिफेंस स्टडी का पूरा जो नया सिलेबस है उसके हिसाब से भी पुराने हिसाब से भी दोनों से जो है क्वेश्चन बनेंगे, और ये पूरा सिलेबस हम लोग ख़त्म करेंगे 30 अगस्त तक। GS का जो कोर्स है हमारा ये चलता रहेगा जब तक UPPCS मेंस नहीं हो जाता तब तक। 24 घंटे के अंदर जो है आपकी जो भी आप आंसर लिख के देंगे उसका रिव्यू कर दिया जाएगा, और आपको मॉडल आंसर भी रात तक दे दिया जाएगा। तो GS के लिए और साथ में ऑप्शनल डिफेंस स्टडी के लिए दोनों के लिए आप जो है ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मंडे से संडे यानी कि किसी भी दिन ऑफ नहीं है, 7ों दिन आप जो है आंसर राइटिंग यहाँ पर कर सकते हैं। क्वेश्चन प्लस मॉडल आंसर और कॉपी का रिव्यू भी होगा। इस नंबर पे जाके आप व्हाट्सअप करके या कॉल करके जो है डिटेल्स ले सकते हैं। तो सो इस वीडियो में हम लोग मनरेगा को देखेंगे, और मनरेगा की सफलता साथ में उसकी आलोचनाएं और सुझाव क्या है मनरेगा के बारे में। मनरेगा प्रत्येक वित्त वर्ष में अकुशल श्रम करने के इच्छुक प्रत्येक जो ग्रामीण परिवार के वयस्क के सदस्य को न्यूनतम मजदूरी के आधार पर 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी प्रदान करता है। तो पहले तो आपको मनरेगा के बारे में बता देना है कि मनरेगा बेसिकली क्या है। डेट वगैरह भी जो है याद हो आपको तो लिख सकते हैं, वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसे योजना के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं शामिल उसको बताया। अब यह 100 दिन का रोजगार, अब कई जगह ऐसे है इसको कुछ दिन जो है वो बढ़ा दिया गया है, जैसे जो अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र हैं वहाँ पर इनके जो है वो कार्य के जो दिन हैं उनको और भी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। तो जो अकुशल श्रम करने के जो इच्छुक होंगे उन्हीं को जो है ये दिया जाएगा, ठीक है। तो ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अकुशल जो श्रम है उसके लिए ये उपलब्ध होता है। सफलता क्या है कि इसकी सफलता है कि इसके द्वारा जो है वो निर्धनता में कमी हुई है। जहाँ लोग पहले रोजगार के लिए भटकते थे अब उनको जो है एक सीमित परिधि में ही उनको रोजगार दे दिया जाता है। SC ST महिला से संबंधित रोजगार में वृद्धि हुई है, क्योंकि इसमें 50% जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षण है कि 50% महिलाओं को ही रोजगार जो है दिया जाए। उनके सामने एक बड़ी समस्या होती है, पुरुष जो है वो शहर जाके कर सकता है काम लेकिन महिला नहीं जा सकती। तो यहाँ पर लक्ष्य रखा गया कि जो पलायन की प्रवृत्ति है उसमें भी कमी आए और गांव में ही महिलाओं को रोजगार मिल सके। तो इसलिए उसके 50% जो है वो महिलाओं के लिए कर दिया गया, और बाद में जो और जो निम्न जाति के लोग हैं उनको भी इससे काफ़ी लाभ हुआ है। सौदेबाजी की शक्ति में वृद्धि हुई। सौदेबाजी की मतलब जैसे मान लीजिए पहले मजदूरी ये पहले था कि लोग बार्गेनिंग नहीं कर पाते थे। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने गांव में निर्धारित कर दिया कि 50 रुपये ही सबको जो है खेती के लिए हम देंगे एक दिन का, तो सभी लोग वही रेट देते थे। फिर बेचारे उसी के उनकी मजबूरी थी, क्योंकि भैया कहानी की मरता क्या ना करता, तो गरीब के लिए ये बार्गेनिंग कर पा रहे नहीं, हम तो 50 में काम आपका नहीं कर पाएंगे, ये बहुत कम मजदूरी है, तो इस तरह की बात वह नहीं कर सकते थे। लेकिन मनरेगा के द्वारा जब रोजगार की गारंटी सरकार के द्वारा 100 दिन की दी गई, उसके बाद अगर वो चाहते थे कि हमें मनरेगा में ही 100 रुपये मिलता है तो आपके यहाँ 50 रुपये में काम क्यों करेंगे, तो सौदेबाजी की जो शक्ति थी उनकी वृद्धि हो गई। अब वो 200 250 300 रुपये भी वसूल सकते थे, ले सकते थे अपने कार्य के लिए। अगला है पर्यावरणीय प्रभाव। पर्यावरणीय प्रभाव में देखें तो जगह जगह हर गांव में जो है वो तालाब खुदवाए गए हैं, और जिससे जो है वाटर लेवल की स्थिति काफ़ी सही हुई है। कई गांव जो है इससे राजस्थान में काफ़ी अच्छा काम किया है मनरेगा ने। और उसके बाद में ऐसे जो और भी जो अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र हैं उनके वहाँ पर भी जो है इसकी काफ़ी सफलताएँ प्राप्त हुई हैं। आलोचना में बात करें तो राज्यों को धनराशि का आवंटन जो है यहाँ पर विषम है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पैसा आवंटित होता है वो उसमें कुछ कमियां हैं, सही से जो है वो पैसा आवंटित नहीं किया जाता। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ है भ्रष्टाचार। काम होने को बता दिया जाता है, काम होता नहीं है, पैसा जो है उसका खर्च भी कर दिया जाता है। कई बार राज्य सरकारें अपने फायदे के लिए जो है इस पैसे को घुमा के दूसरी तरह से जो है प्रयोग करती हैं, तो वो भी एक भ्रष्टाचार का ही रूप है।
अब इसमें एक चीज इम्पोर्टेंट आती है कि जब बात मैं कर रहा था कि अकुशल श्रम करने के जो इच्छुक लोग होंगे उनके लिए योजना है, तो फिर इसमें फायदा कैसे हो जाएगा? कोई इसमें कोई कौशल विकास तो हो नहीं रहा है, सिर्फ एक चीज को छोड़ के कि गरीबी मिटाओ और साथ में जो उनकी बार्गेनिंग या सौदेबाजी की जो शक्ति है वो उनकी बढ़ रही है, तो इसमें उनका किसी कौशल का विकास नहीं हो रहा है। मतलब अगर 100 दिनों के रोजगार के बाद में अगर वो कुछ करना चाहें तो फिर उनके बाद कोई ऐसा कौशल नहीं होगा जिससे वो कुछ और काम में बता सके कि हमारे पास इस जगह काम करने का एक्सपीरियंस है। अनुत्पादक एवं टिकाऊ आधारभूत संरचना का विकास नहीं। अब यहाँ पर देखिए, कुछ ऐसी चीज़ों का विकास नहीं किया जाता जो बहुत ज़्यादा जो है वो टिकाऊ हो, तो इसलिए ऐसे कार्य जैसे मिट्टी के खड़ंजे डालना, ठीक है, तो इसमें क्या है कि बारिश के बाद हो सकता है वही जो रोड बना था मिट्टी से वो फिर से ढह जाए, फिर से उसको अगली बार बनाना पड़े। तो कुछ ऐसे काम नहीं हो जो प्रोडक्टिव हों, उनसे कुछ कोई फ़ायदा उनसे हो आने वाले समय में, आधारभूत संरचना जो है वो ऐसे निर्मित हो। हालांकि बाद के समय में भी इसमें कुछ चेंजेस करना शुरू अब किए गए हैं, पहले तो जो है वो ऐसी कोई संरचना इसके द्वारा निर्मित नहीं होती थी जो टिकाऊ हो और उत्पादक हो। सुझाव ये है कि मनरेगा को कृषि, पशुपालन, सिंचाई व मार्ग परिवहन से संबंधित कार्यक्रमों से जोड़ा जाए, ठीक है, तो ये सभी फील्ड, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे एनिमल हस्बेंड्री हो, इरिगेशन हो, और फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट, इन सभी से संबंधित जो कार्य हैं उनसे जोड़ा जाए ताकि इनको क्या किया जाए, उत्पादक बनाया जा सके, जो कि अभी तक ये नहीं है। डिजिटलीकरण और सामाजिक उत्तरदायित्व प्रणाली। अब डिजिटलीकरण के इसलिए क्योंकि अब जैसे मैंने बताया था कि इसमें भ्रष्टाचार बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सारी चीज़ें जो है उसको ऑनलाइन रखनी पड़ेगी। अगला है सामाजिक, आर्थिक, जाति आधारित जनगणना से इसको जोड़ा जाना चाहिए जिससे बेहतर लक्ष्य की प्राप्ति हो सके, यानी कि आपको बेसिकली सही स्थिति का पता लग सके कि कहाँ कहाँ पर किस क्षेत्र में कितने लोगों में कितनी गरीबी है, उस हिसाब से जो है इसके टारगेट्स जो है वो बनाए जाएं, क्योंकि ये गरीबी निवारण के लिए बेसिकली जो है इस योजना को चलाया गया है। तो फलता इसका लाभ किसको होने वाला है, फीमेल और उसके अंदर SC ST को। उसके बाद में क्षमता निर्माण की जरूरत है और कौशल विकास, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आप सुझाव में लिख सकते हैं कि वैसे तो मनरेगा की कुछ सफलताएं भी हैं, असफलताएं भी हैं, लेकिन ये पॉइंट्स अगर इसको हम और भी इसमें ऐड कर देंगे तो ये हमारे लिए अच्छा होगा।